अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, राना सनाउल्ला पकड़ा गया है। बहुत चार्जेस उसे, किसी किसी से ढका छुपा राना सनाउल्ला का करेक्टर नहीं है। उस पर मुझे डायलॉग याद आ गया, सुनिए आप भी। कहते हैं ना कि जब पिंड के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं, इसका मतलब है SHO ईमानदार आ गया। ये सुनिए जरा डायलॉग। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब। अच्छा, ये मंशियात का धंधा था, ये तो काफी पहले भी खबरों के अंदर आता रहा है। अभी शेर अली के मैं सुनाऊंगा, उसने भी इसके ऊपर एक राना सनाउल्लाह पे एक बयान दिया था। ये पहले आप ये फैजुल हसन चौहान का लेटेस्ट सुन ले बयान। नून की उनके ऊपर एलिगेशन नहीं है। साथ हमारे साथ रहेगा इस वक्त, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैजुल हसन चौहान मौजूद है, उनसे बात करते हैं इसी से मुतल्लिक। फैजुल हसन चौहान साहब, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने राना सनाउल्लाह को हिरासत में लिया है, क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं पिछले आधे घंटे से ये बात टीवी चैनल्स में कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह वो शख्स और वो हस्ती है कि जिसने पिछले 30 सालों में और खसूसन पिछले 10 सालों में आले शरीफ की सरपरस्ती में, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में, दुनिया का कोई जुर्म और गुनाह ऐसा नहीं है जो सर अंजाम नहीं दिया हो। कोई गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा नहीं है जो आले शरीफ की सरपरस्ती में उन्होंने सर अंजाम ना दिया हो। कोई जुर्म कबीरा और जुर्म सगीरा ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने सर अंजाम ना दिया हो। कोई इंफरादी और इज्तमाही जुर्म ऐसा नहीं है कि जो राना सनाउल्लाह ने ना सर अंजाम दिया हो। कौन कौन से जुर्म है? कलदम तंजीमों की सरपरस्ती, वो जुर्म है। मंशियात फरोशों की सरपरस्ती इन्होंने की। इन्होंने जनाब कब्जे ग्रुपों की सरपरस्ती की और कब्जे किए। इन्होंने कत्तो गारत गिरी की। कत्तो गारत गिरी का आलम यह है कि इनकी पार्टी का जो सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ के रिश्तेदार है आबद शेर अली और चौधरी शेर अली, उन्होंने बरमला कहा कि इसने 20 से 25 अफराद फैसलाबाद के अंदर और पंजाब के अंदर कत्ल किए। थाने बिल्कुल आबिद शेर अली ने यह कहा था जो उसकी पार्टी का बंदा है। मॉडल टाउन के अलावा इनकी गुंडागर्दी का आलम यह है कि कल इसने बयान दिया कि कोई MNA MPA हमारा अगर वजीर आजम और वजीर आला को मुलाकात करेगा तो उसके घर का घेराव और जलाओ होगा। और आज उसी कंटेक्स्ट में गुजरांवाला के अंदर जनाब एक इनके हुआ, तो ये जुर्म से लुथरा हुआ शख्स है। इसको अगर ANF ने पकड़ा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उनके पास। तो इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन राना सनाउल्लाह क्राइम। ये तो पूरे फैसलाबाद को पता है। और आयरनी ये है कि इस बंदे को लॉ मिनिस्टर बनाया हुआ था नवाज शरीफ ने, और ही इज राइट हैंड मैन ऑफ शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ। जिस तरह राना मुशाहिद पकड़ा गया है मशहूद, उसी की तरह ये भी उसका राइट हैंड मैन था। और इमरान खान ने जिस तरह कहा था कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसी वजह से इन लोगों को, ये जो सारे क्रिमिनल्स हैं जो पाकिस्तान को जो दीमक की तरह खा गए हुए हैं, और दिस इज व्हाट वी वांटेड फ्रॉम इमरान खान। राना सनाउल्लाह किसी भी तरफ का मोहताज नहीं है, और इसकी इन्वॉल्वमेंट इन मॉडल टाउन किलिंग्स, बत्ते, बाकी जो भी फैजुल हसन चौहान ने बताया, इसमें किसी की भी दो राय नहीं है। बट समवन्स ट्रैश इज समवन्स ट्रेजर। अभी हम इसके ऊपर शोरोगुल भी देखेंगे। और एक जिस चीज़ का मुझे सबसे बड़ा डर है कि जिस तरह हमने देखा कि हमारे जजेस ने जिस तरह इन लोगों को ब्रेक्स दिए, जिस तरह अनीफ अवासी को भी उसे जमानतें दी, वो भी नारकोटिक्स में इन्वॉल्व, वो भी अनदर राइट हैंड मैन ऑफ शरीफ ब्रादरान, उसे जिस तरह ब्रेक्स दिए, हमारे जजेस भी इन्हें इसी तरह ब्रेक्स ना दें जिस तरह उन्होंने और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं। तो इस चीज का सबसे बड़ा डर है कि इन लोगों की, बिल्कुल इन लोगों की जमानतें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह एक जज ने, जस्टिस शमीम, बल्कि वो अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ही इंटरवीन्ड, और छुट्टी वाले दिन जिस तरह उसने तमाशा बनाया, उसने शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को आगे उसने उसे ब्रेक दी, उसे और उसकी मदद की, उन्हीं चीज़ों से जो है वो सबसे ज़्यादा एक उस चीज़ का डर है। मगर क्रेडिट डेफिनेटली गो टू द ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान। इमरान खान का भी देखें तो इसके बड़े अच्छे, इसने इसकी कैबिनेट भी इसकी बहुत बेहतर है। अभी ये फैजुल हसन चौहान जैसे, फिर वो इसका वो जो अफरीदी है इसका मिनिस्टर, और वो जो अली कुर्द है, और असद उमर,
बड़े अच्छे वेरी रेपुटेबल पर्सन. जब ऑन द अदर हैंड आप देखें नवाज शरीफ के जो थे राना सनाउल्ला और वो एक वो उसका फेवरेट जो है मुशाहिदुल्ला खान वो जो सेनेटर है और फिर वो आबिद शेर अली जैसे बंदे राना मशहूद जैसे बंदे उसे इसने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया हुआ था. ये राना सनाउल्ला ये बहुत अरसे से मंशियात के इसके बिजनेस के अंदर मुलविस था. ये काफी लोगों को पता था इसका. मैं थोड़ा सुनाता भी हूँ भी ये समी इब्राहिम का. और बुनियादी जो वजह बताई गई है जो मेरी बात हुई है एएनएफ के जराए से एएनएफ से बात उनके मुताबिक राना सनाउल्ला साहब बहुत अरसे से मंशियात के कारोबार में मुलविस हैं और खुद ये नहीं करते थे. इनके फ्रंट मैन हैं बहुत सारे लोग जो इनके बिहाफ पर ये काम करते थे. लेकिन जो आज जो पता चला है जो जराए ने बताया जो तहकीकात करने वाले लोग हैं जिन्होंने ये सारा केस बनाया इस सारे मैटर को देखा है वो ये कहते हैं कि जब ये मिनिस्टर ला थे तो सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल होती थी मंशियात की स्मगलिंग के लिए. तो ये बंदा जो है ये सरकारी गाड़ी के अंदर ये धंधा करवाया करता था इसका मंशियात का. ये पहले भी ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स इस तरह की सुनी थी आगे सुना. और क्रिमिनल का ख्याल था कि ये दे आर अबव लॉ स्पेशली नवाज शरीफ के दौर के अंदर. और ये क्रेडिट डेफिनेटली इमरान खान को जाता है. और ये आप देखें हमारी जो आज जो नस्लों को ये जो आइस लगी हुई है नस्लें जो तबाह हो रही हैं उसके पीछे इस तरह के लोग हैं. ये पूरी कौम के जो है मुजरिम हैं. ये आगे सुने. और इनके फ्रंट मैन उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते थे. उन गाड़ियों की कभी चेकिंग नहीं होती थी. एएनएफ को इन्फॉर्मेशन मिली एएनएफ ने उनको ऑब्जर्वेशन पे रखा और वो कारोबार का सिलसिला अभी भी किसी न किसी तरीके से जारी था. इससे पहले खबरें आई थी कि एक कहते हैं ना चोर चोरी से जाए राह फेरी से नहीं जाता. इसकी हुकूमत तो चली गई थी मगर वो धंधा जो उनसे है वो भी राणा साहब ने नहीं था छोड़ा. फैसलाबाद का एक शख्स जो चाचू के नाम से मशहूर है वो राणा सनाउल्ला साहब के सारे मामलात की टेक केयर करता था. और अच्छा उसके अलावा आबिद शेर अली का भी सुनिए ये समी इब्राहिम ने सिचुएशन. बल्कि जो कई तो इस तरह के भी इल्जाम थे कि कुछ लोगों को कत्ल भी किया गया. और आपको शायद याद हो कि जो शेर अली साहब के जो साहबजादे हैं आबिद शेर अली उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इल्जाम लगाए कि राना सनाउल्ला एक मर्डरर है. अगरचे वो इल्जाम उन्होंने उस वक्त लगाए थे जिस वक्त वो एक पोलिटिकल राइवलरी थी इसलिए को बहुत ज्यादा इन इल्जाम पर तवज्जो नहीं दी गई. लेकिन जो लोग समझते थे जो हुकाम थे जो मामलात पर जिन्होंने नजर रखी हुई वो ये बताते हैं कि वो उनमें हकीकत थी उन इल्जाम में. क्योंकि जाहिर है पॉलिटिक्स है पाकिस्तान है फैसलाबाद एक बड़ी जगह है और उसके कंट्रोल के लिए फिर जिस अंदाज में काम किए जाते हैं. अभी पाकिस्तान जिस तरह एक लॉलेस स्टेट बन गई हुई थी ये बड़ी डिठाई से जो उनसे खुलम खुला ये लोग इस तरह के क्राइम कर रहे थे. स्पेशली जितनी जितना कोई बड़ा क्रिमिनल था हमारी पिछली हुकूमत ने उसे उतनी बड़ी सीट दी हुई थी. अब वो जो हनीफ अब्बासी है एफेड्रीन का केस उसमें अब देखें कि वो बिल्कुल वो खाली हनीफ अब्बासी नहीं इसके अंदर बल्कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर उसका बेटा वो जो मुल्तान का यूसुफ ज़ा गिलानी उसका बेटा वो भी मुलव्वस था मगर उसकी जान छूट गई थी. और ये हमारे जो उनसे हैं ये पीछे ये क्रिमिनल्स ये बना लिया हुआ था कि इनके ओहदे के पीछे इन्होंने जो गवर्नमेंट से सीट ली हुई है सारी मशीनरी इनके हाथ में है तो दे कैन गेट अवे विद एवरी क्राइम एंड दैट इज व्हाट दे वर डूइंग. पाकिस्तान के लॉलेस स्टेट बना दिया हुआ है. जब ये बाहर आते हैं बाहर ये इंसान के बच्चे बने होते हैं इसलिए कि इन्हें पता होता है कि इधर जो है इनकी बदमाशियां नहीं चल सकेंगी इनकी पकड़ाई नहीं हो इनकी पकड़ाई होगी. इमरान खान ने कहा था कि वो बिल्कुल इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा इन क्रिमिनल्स को माफिया देने में और इमरान खान अपने स्टांस के ऊपर कायम है. सारी कौम ये इमरान खान से चाहती थी. अभी भी आप जाके सोशल मीडिया के ऊपर आप कमेंट्स देख लें आप यूट्यूब पे जिधर ये वीडियोस लगी हुई है उधर आप कमेंट देख लें कि लोग किस तरह जोन सा है वो इसके ऊपर
लान तान कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह को, और पीपल आर एग्रीइंग, 99% ऑफ द पीपल वो सोशल मीडिया के ऊपर भी वो एग्री कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह के क्राइम्स थे, और दे वर वेल अवेयर ऑफ राणा सनाउल्लाह क्राइम्स। वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिन्ना खादियां गाजरां टिड्डों ना दे पीड़, तो भी बिल्कुल इनके टिड में पीड़ तो होनी चाहिए। कोई और मुल्क होता, चाइना होता, तो ये लोग अभी फायरिंग स्क्वाड के सामने से ये कब के ये खत्म हो चुके होने थे। सऊदीया होता, इन्हें फांसियां लग गई होनी थी। मगरिब के अंदर होते तो ये लोग कब के सारी जिंदगी के लिए ये लोग जेलों की सलाखों के पीछे चले गए होते। ये सिर्फ पाकिस्तान ही है जिधर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन बरादरान ने और इनके खानदान ने इन्होंने तबाही फेर दी हुई थी। पिछले 30 सालों में इन्होंने इदारे तबाह कर दिए, क्रिमिनल्स उन पर लाके बिठा दिए। इट इज ग्लैड टू सी दीज पीपल गोइंग वेयर दे बिलोंग टू। और खान साहब ने भी कहा था कि मैं इन लोगों को रुलाऊंगा, और बिल्कुल लिटरली एंड प्रैक्टिकली ये लोग रो रहे हैं। अभी आपको चीखों की आवाजें भी आएंगी मरियम औरंगजेब की, राणा सनाउल्लाह की तो जो आएंगी आएंगी, और ऑन टॉप ऑफ ऑल श्री ब्रादरान की। उन्होंने कहना है कि जी हम मासूम, हम लोगों ने एक रुपए की करप्शन नहीं की हुई, और हम लोगों को जो उनसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड टारगेट किया जा रहा है, और इनके जो एंकर हैं वो भी साथ साथ चीखे मारेंगे। मुझे आपको उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, जवेद चौधरी, आसमा शराजी, अंसार अब्बासी, लंबी लिस्ट। वही लोग जो इनके साथ दौरों पे जाते थे, जिन लोगों को इन्हें प्लाट दिए, अपनी हराम की कमाई को हलाल करने की कोशिश करेंगे। ये राणा सनाउल्लाह की क्राइम में मुलविसी कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। इसके भत्ते, इसके कब्जा माफिया, इसकी मंशियात के अंदर इन्वॉल्वमेंट, इसकी मॉडल टाउन के अंदर इन्वॉल्वमेंट, बट दीज पीपल वर अनटचेबल्स। और इसीलिए हमने, आपने, अवाम ने मैंडेट दिया इमरान खान को, हमने इलेक्ट किया, जिसे ये लोग सिलेक्टेड की चोट डालते हैं असेंबलीज के अंदर। बाकी तो इमरान खान काम कर ही रहा है, करेगा ही, बट दिस इज द प्राइम अचीवमेंट ऑफ इमरान खान, ये पिछले 40 साल का गंद साफ करना, और इन लोगों को बताना कि जजा और सजा भी कोई चीज होती है, और ये पाकिस्तान के अंदर भी मिल सकती है। अल्लाह ताला ने इनकी रस्सी इमरान खान के थ्रू खींची है। बहुत इनकी रस्सी दराज हुई इसकी। नवाज शरीफ की आप कैबिनेट देखें, इसमें जितने जोन से डूबियस बंदे इसने अपने कैबिनेट में रखे हुए थे। राणा सनाउल्लाह को देख लें, राणा मशहूद को देख लें, राणा मशहूद की भी फिल्में जोन सी हैं आपको मिल जाएंगी, उसकी मुजरे देखते हुए, नीम राना उसके मुजरे देखते हुए, रिश्वत लेते हुए उसकी फिल्म थी जिसपे मुबशर लुकमान ने उसे चैलेंज किया था कि मुझे बता दे कि ये अगर रिश्वत लेते हुए तेरी जो फिल्म बनी हुई है ये झूठ हो। ये वही लोग हैं, वही पार्टी है जो कहते हैं हमने एक रुपए की करप्शन नहीं की। ये वही पार्टी है जिनके आधे से ज्यादा लोगों के बाहर के कम हैं, बाहर की नेशनैलिटियां इन लोगों ने ले रखी हैं, और अपने बच्चे इन्होंने बाहर सेट किए हुए हैं ताकि ये लूट का माल ठिकाने लगा सकें। और इन लोगों के पेट अभी भी नहीं भरे, खरबों पति ये लोग हो चुके हैं, मगर ये लोग दोबारा इक्तदार चाहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान को ये मजीद लूट सकें, अपने बच्चों के थ्रू लूट सकें। अब एक और खान साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और पाकिस्तानियों का भी, ये जो डायनेस्टीज की पॉलिटिक्स है, जिस तरह पाकिस्तान चंद खानदानों के हाथ में चढ़ चुका था पिछले 40 साल से, उस चीज को खत्म करना, या नवाज शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली, भुट्टो फैमिली, पाकिस्तान इन लोगों ने अपनी जागीर बना लिया हुआ था सिर्फ लूटने के लिए। ग्लैड टू सी दीज पीपल गोइंग डाउन, ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सारे का सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उस बंदे ने इन लोगों के आगे बाउ डाउन नहीं किया, इन लोगों के आगे झुका नहीं। उसने कहा कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, आफरीन है उस मां पे जिसने इमरान खान जैसा बच्चा जना। और इंटायर नेशन हैज फुल कॉन्फिडेंस इन इमरान खान। पाकिस्तान को भी 30-40 साल बाद एक मेड इन पाकिस्तान, एक वजीर आजम मिला हु हैज बीन इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पब्लिक। जिन्ना खादियां गाजरां टेडों ना दे पीड़, अब इनके पेट में दर्द तो होगी, और इन लोगों का ख्याल था कि ये पीढ़ी ने पाकिस्तान में कभी भी नहीं हो सकती। बट नाउ द रूल्स ऑफ द गेम आर चेंज्ड, नाउ देयर इज न्यू शेरिफ इन टाउन। जब सारे चोर इत्तेहाद कर लें, इसका मतलब है कि एसएचओ ईमानदार आ गया। अब इन सब लुटेरों ने इत्तेहाद कर लिया है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याज, जो एक दूसरे को गालियां निकालते थे जलसों के अंदर,
वो एक दूसरे के चेते बन गए हैं। इसका भी क्रेडिट इमरान खान को जाता है, और बिल्कुल इमरान खान की कैबिनेट में बड़े अच्छे उसने लोग सिलेक्ट किए हैं। हालांकि हमारे पॉलिटिशियंस में 90% आपको पता है ऐसी हैं, शहरयार अफरीदी बड़ा अच्छा बंदा है, मोहम्मद अली कुर्द बड़ा अच्छा बंदा है, असद उमर, बाकी जो लॉ मिनिस्टर है, और अब उससे आप कंपैरिजन करें इसकी नवाज शरीफ की कैबिनेट का, लॉ मिनिस्टर सबसे बड़ा क्रिमिनल,